हेलो गाइस, गुड इवनिंग, कैसे हैं आप सब। तो अभी टाइम हो रहा है, शाम का 5 बज रहा है। तो आज मैं कहीं पे जाने वाली हूँ, तो कुछ ज़्यादा दूर नहीं, बस नज़दीक में ही जाने वाली हूँ। अभी तक तो मेरे को निकल जाना चाहिए था, पर मेरी बेबी 4 बजे सो गई है, तो अभी वो कम से कम आधे घंटे बाद उठेंगी, तो मैं यहाँ से निकलूँगी। बस इसी वजह से मैं थोड़ा सा लेट कर रही हूँ, तो बस उसी की पैकिंग कर रही हूँ। ज़्यादा लंबा सफ़र नहीं है, बस 2 दिन के लिए मैं जा रही हूँ। तो वो मेरी दीदी लगती हैं, तो यही मेरे पास में ही रहती हैं, अमृतसर में ही रहते हैं, तो बस वहीं मैं जा रही हूँ। तो मैं सोचा क्यों ना आप लोगों को बता दूँ और छोटा सा एक ब्लॉग बना लूँ। क्या पता वहाँ जाके मैं वीडियो बना पाऊँ कि ना बना पाऊँ, क्योंकि वैसे पहले भी मैंने 2 वीडियो बना के रख लिया है कि मान लो वहाँ पर ना बना पाए तो फिर पहुँच के मैं आराम से वहाँ वीडियो डाल दूँ आप लोगों के लिए। बट मैं सोचूँगी ब्लॉग बनाना। क्या है ना, किसी के घर बहुत ज़्यादा शर्म लगती है, और किसी के भी सामने से रिश्तेदारी में जाओ तो किसी के सामने अच्छा नहीं लगता कि फ़ोन लेके वीडियो बनाओ, अगला क्या सोचेगा, कुछ मतलब वो नहीं होता। और जब मैं सक्सेस हो जाऊँगी, थोड़ा सा आगे बढ़ जाऊँगी यूट्यूब में, फिर नहीं शर्म लगेगी, फिर बाकी यूट्यूबर की तरह मैं भी बनाऊँगी, बट अभी नहीं। पर मैं पूरी कोशिश करूँगी, क्योंकि दिन में उनके यहाँ कोई नहीं रह जाता, तो मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं वहाँ भी ब्लॉग बनाऊँ, आप लोग को ज़रूर दिखाऊँगी। ठीक है, तो चलिए मैं थोड़ी सी अपनी पैकिंग कर लेती हूँ, बस कुछ खास नहीं है, बस थोड़ा सा है। हेलो फ्रेंड्स, तो मैं यहाँ अपने कपड़े रख ले रही हूँ, और थोड़ी सी परी के कपड़े, 2-3 कपड़े परी के रख रही हूँ, और अपने आप सोच रहे होंगे कि मैं लिफाफे में क्यों डाल रही हूँ। मैं इस करके लिफाफे में डाल रही हूँ कि थोड़ा ही है, कोई नहीं, वैसे देखने में बैग वगैरह में देखने में ज़्यादा लगेगा, फिर अगला जो देखेगा कहेगा कि कहाँ जा रहे, कितना दूर जा रहे। तो ये मैं किसी और का सूट, दीदी का ही सूट तही लगा रही हूँ, उनका मैंने सिला था, जिसकी बाजू की वीडियो भी मैंने डाली है। तो यही भी, ये भी मैं सोच रही हूँ कि ले जाऊँ, उनको दे दूँ। तो बस मैं लिफाफे में यही पैकिंग कर लेती हूँ, थोड़ी सी है, 2 सूट मेरे हैं, 2-3 बेबी के हैं, बस इसी वजह से मैंने लिफाफे में ही रख लिया। लिफाफे में थोड़ा सा अच्छा लगेगा, कोई देखेगा नहीं, कोई बात नहीं, बस तो ऐसे ही। और सबका मन कोई भी है, आप लोग जान ही सकते हो कि ससुराल में रहो तो मन थोड़ा बहुत ज़रूर करता है कि मैं जाऊँ कहीं घूम फिर आऊँ, बस इसीलिए मैं जा रही हूँ। लॉकडाउन है और कहीं जा नहीं सकती, तो बस मैंने सोचा बस नज़दीक में ही जाके मैं मिल लूँ, तो अब वहाँ मिल के आप लोगों से बात करेंगे। ओके बाय। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो आप सोच रहे होंगे कि मतलब मैं कह रही थी, जैसे कि कल मैंने आप लोग को बताया था, कल मतलब इसी ब्लॉग में कल आपको बताया था कि मैं कहीं पे जा रही हूँ 2 दिन के लिए, तो आप लोग सोच रहे हो अभी तो अपने घर में ही है। तो यस, मैं गई थी, ऐसी बात नहीं है, पर जब मैं वहाँ पहुँची तो फिर पूरा मतलब वैसे गई तो शाम तक थी, मतलब कितने बजे, मैं 6:30 बजे वहाँ पर चली गई थी, 5:30-6 बजे तक ऐसे ही कुछ बज रहा था। तो परी ने तो खूब खेला मतलब शाम तक, फिर उसको जैसे ही रात हुआ सोना हुआ, 10 बज गया, हम लोग खाना वाना खा के फिर सोए। मैं सोची फिर कल के ब्लॉग में आपको मिलवाऊंगी दीदी से। तो फिर क्या हुआ ना कि मैं जब सुबह रात को सोई, उसको इतना सुलाया, सोए ही ना, बोले मम्मा चलो अपने घर, पापा पास चलो, मम्मा पास चलो, ऐसे बोले वहाँ पे, वो सोए ना। मैं उसको सुलाते सुलाते 12 बज गए वहाँ पे, सबको परेशान करके रखा, बोला नहीं मेरे को घर जाना। तो मैं फिर रात में ही आ गई थी लगभग 1 बजे, फिर मैंने फ़ोन किया उदय जी को कि आके चलो मेरे को ले चलो, ये यहाँ पे रहने रही है, फिर वहाँ से मैं इसको घर पे लेके आई। ऐसा नहीं है कि वहाँ गर्मी ज़्यादा थी, वहाँ भी कूलर वगैरह सब कुछ थे, फिर भी वो वहाँ रह नहीं रही थी, तो फिर मैं उसको फिर घर पे लेके आई, फिर यहाँ पे आके मेरे पेट पे तुरंत सो गई। तो वही कहते ना, अपना घर अपना होता है, बताओ उसको अभी से पता है कि हाँ मेरा घर है, तो इसलिए मैं, मेरे को आना पड़ा। मैं बहुत मतलब मेरे को यहाँ अमृतसर में आए हुए मतलब 8 महीने तक हो गए होंगे, तो मैंने सोचा था कि चलो कोई नहीं दीदी के घर जाऊंगी, थोड़ा सा घूम फिर लूँगी, अच्छा लगेगा, पर मेरी बेटी ने ऐसा होने नहीं दिया, तो मेरे को आना पड़ा रात में ही। तो चलो कोई बात नहीं, मैं चली जाया करूँगी, पर अब से दिन दिन में ही जाया करूँगी। तो मैं यही सोचती मैं गाँव कैसे जाऊँगी जब वो अभी मेरे को जाने नहीं देती है। बस यही सब बातें हैं। और फ्रेंड्स, गर्मी बहुत ज़्यादा है, आप लोग देख रहे हो मेरे को गर्मी बहुत ज़्यादा। अभी सुबह से मेरा 2 बार नहाना हो गया, मैं सुबह उठी थी फिर नहा के चाय वगैरह पी थी, अब फिर मैं दोबारा नहाई हूँ, अब जा रही हूँ नीचे। तो बस इसके लिए सॉरी कि मैंने आप लोगों को मिलवा नहीं पाई थी। तो अब मिलेंगे आपसे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, और लाइक ज़रूर कर देना, ठीक है।
और बस अभी ये वीडियो मैं अभी इसी वक्त ही डाल देती हूँ। ओके बाय, अब करती हूँ अपना ब्लॉग खत्म, बाय बाय।